हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर सिक्स है और एक्सरसाइज 31। तो यहाँ पे फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई दिया हुआ है और ये बनाना काफ़ी आसान होता है। तो आइए मैं आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है, 1/2 × 3। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर कटता है तो इसको काट सकते हैं नीचे से ऊपर वाला। ये 3 जो बीच में दिया हुआ है, आप समझिए कि ये ऊपर में ही दिया हुआ है। तो अगर नहीं कटता है 2 से ये 3 नहीं कटने वाला है, तो अगर नहीं कटता है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऊपर 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 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 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 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज समझ लीजिए कि यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 × 1 = 3 हो गया, 3 × 1 = 3 और नीचे 2 × 2 रह गया 3/2। अब नीचे में यहाँ पे ये छोटा है तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन सकता है, तो ये क्या बन सकता है, इसको डिवाइड करते हैं तो 2 × 1 = 2 1 बार में जाएगा, ये 1 हो गया बीच में और रिमाइंडर 1 बच जाएगा और नीचे में जितना होता है उतना ही रहेगा। ये हो गया 1½, ये आंसर हो जाएगा, ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी कटने वाला नहीं है, ये नहीं कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 1 = 7 हो गया और यहाँ पे नीचे 3 हो गया। तो यहाँ भी कट नहीं रहा है, ये जो है नीचे छोटा है तो ये जो है मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 2 बार में 6 आता है, 1 बच जाएगा रिमाइंडर, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे नीचे में 3 का 3 रह जाएगा। ये हो गया कम्प्लीट, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसके नीचे 1 लगा देते हैं, इसका मतलब बीच में दिया हुआ है उसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से काटते हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से काट सकते हैं, इस तरह से काट सकते हैं, इस तरह से ये कटेगा। तो यहाँ से ये इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। 6 का टेबल पढ़ेंगे या फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम काटते हैं 2 का टेबल से काटते हैं, 2 × 9 = 18 हो गया और फिर 9 और 6, 3 का टेबल से कटेगा, 3 × 3 = 9 हो गया और 3 × 2 = 6, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। ऊपर में 2 बच गया और नीचे में 3, तो नीचे में बड़ा है इसलिए मिक्स फ्रैक्शन बनने वाला नहीं है, मतलब यही आंसर रह जाएगा। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये कटेगा 4 का टेबल से, ये 16 कट जाएगा, तो 4 × 4 = 16 होता है 4, ये हो गया। यहाँ पे नीचे में 3 हो गया और ऊपर में 3 हो गया और नीचे में 4, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। नीचे में बड़ा है इसका मतलब मिक्स फ्रैक्शन ये नहीं बनेगा, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 5 नंबर लेते हैं। यहाँ पे 8 से ये तो कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 8 का टेबल में नहीं आता है, लेकिन 2 से कटेगा, 2 का टेबल में दोनों आता है, 2 × 4 = 8 हो गया, 2 × 4 = 8 और 2 × 9 = 18, ये हो गया, इससे ज़्यादा नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 5 = 45 अब इसको हम डिवाइड दे सकते हैं, उसके बाद ये इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे कितने बार में जा रहा है, यहाँ पे 10 बार में 40 हो गया और 11 बार में 44 हो गया, मतलब 11 बार जाएगा, 11 बीच में रह जाएगा और 44 अगर यहाँ से निकल जाता है तो 1 बचेगा, तो 1 रिमाइंडर ऊपर रहेगा और यहाँ पे 4 नीचे में जो है सेम टू सेम वही रह जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे, 15, तो यहाँ पे इससे ये 5 का टेबल में कटेगा, तो 5 × 4 = 20 होता है और 5 × 3 = 15, ये हो गया, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 9 × 3 = 27 × 4, इससे डिवाइड देते हैं तो कितना जाएगा, 4 × 7 = 28 होता है, तो 7 बार में नहीं जाएगा, 6 बार में जाएगा, इक्वल टू 4 × 6 = 24 होता है, 4 × 6 = 6 बीच में हो गया और 24 यहाँ से निकल गया तो बच गया 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में और नीचे जो है वही रहेगा 4, और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे ये कटेगा 3 का टेबल से, नहीं 9 का टेबल से, तो डायरेक्ट आता है 9 × 3 = 27, तो यहाँ पर 9 × 3 = ये हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 1, तो बच क्या गया, 21 + 20 होगा और नीचे में 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 20
और नीचे में हो गया 3 20/3। तो ये कटने वाला है नहीं, ये बनेगा मिक्स फ्रैक्शन। 3 6 18 होता है, तो 3 6 18, तो 6 बार में जाएगा, 3 6 18 हो गया, और 18 इसमें से निकल गया तो 2 बच गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 और 3 नीचे जो है वही रहेगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, 6 7 हो गया और 8 नंबर। तो 11 1 11 तो कट गया, 11 11 कट गया और बच गया ओनली 6। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 6 हो जाएगा, हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले सीधा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सीधा कर लेते हैं इसको, 5 2 10 हो गया, 10 और 3 13 हो गया, 13 by 5 into 5, तो 5 5 कट गया, ये कट जाएगा, तो बचा क्या, ओनली 13। तो इसका आंसर सिर्फ 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे, तो इसको करना होगा सीधा। तो यहाँ पे 3 2 6 हो गया, 6 2 8, 8/3 into 11। तो यहाँ तो कुछ कटने वाला है नहीं, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो कटना है नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 11 8 88 हो गया, और नीचे में हो गया 3, तो ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा क्योंकि ये छोटा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए ये बड़ा नंबर है, इसको डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड दे देते हैं, 3 88 क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो गया, 6 2 बच गया। तो यहाँ पे 8 हो गया, 3 9 27 होता है, 9 27, तो ये 1 बच गया, 1। इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा 29 and 1/3, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको करना पड़ेगा, पहले सीधा करना होगा। 7 3 21 हो गया और 1 22 22/3 into 15, ये हो गया, और ये तो कट जाएगा 3 से 15 3 5 15, ये 5 बार में कट गया। तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 2 10 हो गया और बच गया 1, और 5 2 10 और 1 11 हो गया, 110। तो सिंगल नंबर है, यही आंसर होगा, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, ये हो गया, तो 14 7 14 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 100 हो गया, तो 1/100/7, और नीचे में हो ये इनटू हो गया 12। 7 एक प्राइम नंबर है, तो किसी भी स्थिति में ये कटने वाला नहीं है, तो 100 से इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पे 2 0 आ जाएगा, 12 पे 2 0, ये हो गया 1200/7। तो ये बनेगा मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए इसको करना पड़ेगा डिवाइड, इससे कितने बार में जा रहा है, 7 2 14 नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ बच गया 5, 7 5 12 होता है, और यहाँ पे 1 0 आ गया, 7 7 7 49 7 7 49, फिर यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, 7 1 7, तो यहाँ पे 7, यहाँ बच गया 3, ये रिमाइंडर ये हो गया। इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा 171 171 and 3/7 3/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, यहाँ पे इसको सीधा करते हैं, 24 2 48 हो गया, 48 1 49 हो गया, 49/24 into 6, तो 6 का टेबल में 24 आता है, 6 4 24, यहाँ पे 4 हो गया, और इसके बाद ये कटने वाला नहीं है, ये सिर्फ 7 का टेबल में ही कटेगा, तो यहाँ पे नहीं कटेगा, तो यही रह जाएगा 49/4, ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। कितने बार में बनेगा, तो यहाँ पे इसको करते हैं, 7 1 4 1 4 हो गया, 4 1 एक बार में कट गया वो 4, और 4 2 8
4 2 8 तो 1 बच गया रिमाइंडर 1/4, ये आंसर हो जाएगा इसका, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। 18 3 जा 18 36 8 54 54 आ रहा है, 54 और 5 तो 4 5 9 हो गया, तो 59 हो गया, 59/18 इंटू 9, तो 9 का टेबल में 18 आता है, 9 2 18 2 से कट गया, तो इसका मतलब है कि यह आ गया 59/2, तो ये 2 से कटने वाला नहीं है, लेकिन 2 से कटेगा नहीं, मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। 2 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया 19, इसका मतलब 2 9 18 2 9 18 हो गया, तो 1 बच गया 1/2, ये आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 15 और मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ दिया हुआ है, तो इसको पहले सबसे पहले सीधा करेंगे। 20 मतलब 7 2 14 हो गया, 140 हो गया, और 1 141 141/20 इंटू 16, तो यहाँ पे 4 का टेबल से ये दोनों आता है, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, और ये तो 5 से कटने वाला नहीं है, नहीं कटेगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, और ये नीचे रह जाएगा, तो यहाँ पे 4 1 जा 4 हो गया, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 16 का 6 हो गया, तो यहाँ पे बच गया 1, 4 1 जा 4 हो गया और 1 तो 5 हो गया, और यहाँ नीचे में आ गया 5, ये कटने वाला तो नहीं है, ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, तो मिक्स फ्रैक्शन इसको बना लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो गया, और यहाँ पे भी 5 1 जा 5 बच गया, यहाँ 1 और यहाँ पे 4, तो 14 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, तो 14 में 10 निकल गया, तो 4 बचेगा, तो 4 ऊपर जाएगा और नीचे में 5, ये आंसर हो जाएगा 15 का। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और इसको सॉल्व करेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 12 2 जा 24 हो गया, 24 और 6 हो गया, 30 और 1 31 हो गया, तो यहाँ पे 31/2 इंटू 24, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 और 12 से ये 24 कट जाएगा, 12 2 जा 24 हो गया, 2 बार में जा रहा है, तो ये 2 बार में गया, तो 31 इंटू 2, तो 32 जा 60 होता है, तो 1 बार बढ़ाएंगे तो वहाँ पे 62 हो जाएगा, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 हो गया और 2 3 जा 6 62, तो इसका आंसर हो जाएगा 62, ये हो गया। और यहाँ पे एक्सरसाइज 31 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, एक्सरसाइज 32 भी इसी तरह का दिया हुआ है, तो जल्द ही उसका भी सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसी तरह का और अलग अलग क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट के सोल्यूशन आते रहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं।